जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपका आभार है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और चीज़ों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस वीडियो में मिलती रहती है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे दिनों की कामना करता है। जीवन में चीज़ें सामान्य हो, अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छी चीज़ें कब घटित होगी, भविष्य उज्ज्वल कब होगा, जीवन में जो नेगेटिविटी उससे हम बाहर कैसे आएंगे, और न जाने कितनी सारी बातें अच्छे से रिलेटेड है। तो उसी पर हम बात करेंगे कि उसका एक क्या वे है, कोई रास्ता है कि जिन्हें चीज़ें करने के बाद एक प्रॉपरली एक मेथड, जिसके बाद हमें ये चीज़ें समझ आ जाए कि अच्छे दिन बुरे दिन और जीवन में जो कठिनाइयां तंगी चल रही है उससे कैसे बाहर आ सके। उससे पहले एक निवेदन है कि यदि आप उससे बात करना चाहते हैं फ़ोन पर, तो आप व्हाट्सएप से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फ़ोन पर आप वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर आप उससे बात कर सकते हैं। शुल्क लागू है, लेकिन दोस्तों शुल्क बिल्कुल नॉमिनल है, और उसमें कोई भी आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई पूछा विधान नहीं। जो चीज़ें वो सामान्य वे में आपको समझाई जाती है, और चीज़ों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की जाती है। तो पहली और मुख्य बात होती है कि अच्छे दिन या अच्छे जीवन में सब कुछ अच्छा होने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो होता है व्यक्ति का सकारात्मक पहलू और सकारात्मक होना। जब तक आपके अंदर जो बैठी आत्मा है वो चेतन नहीं होगी, उसको चेतन करने के लिए कोई विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ विशेष प्रयत्न करने की जरूरत, सिर्फ और सिर्फ अपने मन मस्तिष्क आत्मा में एक वेव, एक लहर सकारात्मकता की दूंगी चाहिए। चाहे जो भी चीज़ें घटित हो रही है उसमें उम्मीद सकारात्मकता है, उसमें जोश, अपने दिमाग को शांत रखना, चीज़ों को समझना, और वहाँ से क्या अच्छा हो सकता है वो सकारात्मकता है। क्योंकि सकारात्मक बोलने के बाद व्यक्ति को सकारात्मकता ही नहीं पता कि क्या हो सकता है। ये जो चीज़ें मैंने बताई है, आप फिर से पीछे करके एक बार इन्हें सुन लीजिएगा और चीज़ों को और अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरी बात है कि गीता का जो बात लिखी है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, पर यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले फल की चिंता है, फिर कर्म करेंगे। तो गीता के इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार ले। सिर्फ कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। चाहे आप जितनी मेहनत कर लो, फल देना उसके हाथ में, वो डिसाइड कर लेगा कि आपने कितनी ईमानदारी से किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा जज करने वाला ईश्वर है। तो आप समझ ले कि वो एक परमपिता जज ईश्वर बैठा हुआ है और वो हमें जज कर रहा है, और हम अगर पूरी ईमानदारी से काम किसी को करेंगे, कोई भी काम, जरूर फल मिलेगा। जिसमें किसी को धोखा, किसी को प्रताड़ना, किसी भी व्यक्ति का अहित ना हो, ये चीज़ें जानो। प्राकृतिक जो चीज़ें, प्रकृति के जो स्वभाव है, प्रकृति कभी किसी का अहित नहीं करती, वो सिर्फ देना जानती है। वो शांति, सौहार्द, सुकून, ये सभी चीज़ें प्रदान करती है। तो वही मानव भी इस प्रकृति का एक अंग है, और मानव को भी बस यही चीज़ें करना चाहिए। और वो बुद्धिमत्ता है, उसके पास चेतना है, तो वो उसमें तेरा मेरा अहम और घमंड, बहुत सी चीज़ें वासनाएं, बहुत सी चीज़ें वो में घिरा होता है। तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देना है। रही बात मौन, मौन रहना बहुत बड़ी चीज़ है। मौन रहने के अंदर जप करें, शांत रहें और ईश्वर का जप करें। हर एक चीज़ आप प्रकट नहीं कर सकते, और हर एक चीज़ आपको प्रकट करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको प्रकट करने के बाद हमारी जो मेंटेलिटी है उस पर ही उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमने खुद प्रकट किया, खुद ने देखा, क्योंकि हम जो चीज़ बोलते हैं, प्रकट करते हैं, वो खुद, दो चीज़ें हमारे पास है, हम दर्शक भी हैं, श्रोता भी हैं, और हम प्रेजेंट करने वाले भी हैं। तो आप दोनों भूमिका होती है, इसलिए मौन जो है वो रहें। प्रकट करना हर एक चीज़ जरूरी नहीं है। ईश्वर का जप हमेशा मैं कहता हूँ, उसका नाम लेते रहें, मंदिर जाएं, दो वक्त दर्शन करें, भोलेनाथ का नाम लें, जो आप कृष्ण उनका नाम लेते, क्योंकि आने वाला जो दौर है, आने वाला समय आपका है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी अपनी राय हो खुलकर आप लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल तो लिखना ही है, जय श्री महाकाल।